आई वॉज बॉर्न इन सरगोदा वहीं अर्ली लाइफ स्पेंड हुई सारी right. फिर उसके बाद वहीं से एयरबेस के अंदर वहाँ से मेट्रिकुलेशन तक किया right. मैं वो वाला बच्चा हूँ जो कि एफ एस सी इंजीनियरिंग साइड करना चाहता था लेकिन ऑफ़कोर्स नाइन टेंथ में ऐसे हुआ कि जो मार्क्स थे वो बहुत अच्छे आए पेरेंट्स और हैप्पी के अब तो ये इंजीनियरिंग करके निकलेगा राइट बैचलर्स कम्प्लीट हाँ, ठीक हाँ. है प्री इंजीनियरिंग तो लेकिन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि इंटरेस्ट सारा लूज हो गया हाँ इंटरेस्ट सारा लूज़ हो गया मार्क्स भी नहीं आए बहुत आ, मतलब मुश्किल से ही पास हुआ अच्छा एग्जैक्टली exactly. मतलब जो कि पहले काफ़ी अच्छे सेम yes. exactly. exactly. <laughs> तो यही हुआ कि एक्स्ट्रा करिकुलर में और उसमें जो ग्राफिक डिज़ाइन के कॉम्पिटि होने आ, दो मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था टेक साइड पर उसमें जो भी साइंस एग्जिबिशन होते थे उनमें मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता था पूरे स्कूल में जी मैं फर्स्ट पोजिशन आ रही है जी लेकिन वैसे क्लास में कहीं भी नहीं था तो बस उधर से Uh, वही डिसाइड हुआ कि पेरेंट्स ने कहा कि जो भी करना चाहो जिंदगी में राइट वो right. उस पर टॉप पे रहो राइट अगर आपने इंजीनियरिंग करनी है और उसमें भी एट द बॉटम बॉटम में रहना है तो फिर फायदा नहीं है right. तो जो करो दिल से करो तो ये एक उनकी तरफ से बहुत अच्छा पूछता मेरे लिए कि अब मेरे पास खुली छूट है हाँ, अब मैं जो भी करना चाहता आपका चाह। डिसीजन है लेकिन फिर उस डिसीजन के ऊपर एग्जैक्टली मैं फिर अकाउंटेबल होऊंगा राइट तो मेरे लिए एक चैलेंज भी था और फिर मैंने एक्सेप्ट भी किया तो वाट यू चूज़ आफ्टर दैट तो उसके बाद क्योंकि ज़्यादा उसके सर्गोदा क्योंकि छोटा सिटी है उधर कितने ज़्यादा इंस्टीट्यूशन भी थे आर्ट एंड डिज़ाइन का उधर कॉन्सेप्ट ही नहीं था yeah. और मेरे पूरे बैच में से कोई भी नहीं मतलब इस तरह की फील्ड में गया था और मैं ही था सिंगुलर तो फिर बीक, बीकन हाउस का नाम था बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी पीआईएफटी था माइंड में और एनसीए था आ, लेकिन जो डिज़ाइन का डिपार्टमेंट है वो मुझे थोड़ा बी एन का ज़्यादा बेहतर लगा आपने डिज़ाइन ये ग्राफिक डिज़ाइन क्योंकि आप उस वक्त रहे थे कॉम्पिटिशन वह तो उसकी वजह से डिसाइड किया था कि मैंने एक्जैक्टली हाँ कहने के एक Choosing factor था जो के मेरे लिए बेहतर साबित हुआ। और सिर्फ में, किया था में किया था और उधर उधर ही ही हो हो गया। गया था।, था। so, uh, उनका इतना कोई हैवी क्राइटेरिया नहीं होता बेसिकली प्राइवेट है यूनिवर्सिटी है तो इजी होता है आपके उस पैसे होने चाहिए सिर्फ। लेकिन पैसे नहीं थे। <laughs> कितने पैसे होने चाहिए वैसे पैसे आजकल तो मुझे जो लगता है कि आजकल जो पर सेमेस्टर फी है वो टू पॉइंट फाइव टू थ्री थ्री Um, 24, uh, lakh, 24, lakh. Like, है, है अब हर क्योंकि साल में वो इंक्रीज होती है तो अब अब थर्टी तक होगी जब मैंने की थी तो वो टेंट की टेंथ uh, की थी डिग्री और आपने कौन से साल स्टार्ट किया था मैंने स्टार्ट किया था ट्वेल्व में ट्वेल्व में और सिक्सटीन में ग्रेजुएशन यस अच्छा इंटरेस्टिंग डिफरेंट स्पेस हाँ दुनिया अलग होती है बी एन यू अलग होता है एग्जैक्टली exactly. तो मुझे लगता है कि बी एक छोटे शहर से आके आप एक, एक 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 बड़े शहर में आना और उसके बाद एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के अंदर आना जो कि जिसकी इन्वायरमेंट ही बिल्कुल डिफरेंट है राइट आ, तो मुझे लगता है कि उसने मुझे बहुत ग्रूम किया मैं जो आज हूँ वो मुझे लगता है कि एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की वजह से जो कि जिसने मुझे मतलब स्पेस दी हाँ स्पेस दी और फ्रॉम स्क्रैच ग्रूम किया डू यू थिंक कल्चरल शॉक लगा था में स्टार्ट में कि स्टार्ट में था बिल्कुल क्या हो रहा है एग्जैक्टली exactly, हाँ <laughs> स्टार्ट में था लेकिन uh, मुझे लगता है कि आपके बैक एंड आपके रूट स्ट्रांग होना तो आप कहीं नहीं जाते आप जो जो भी मुझे लगता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि यू you नो know, को, कोई ख़राब हो जाएगा बच्चा या कुछ होगा मुझे लगता है कोई ऐसा कुछ भी नहीं होता आपके रूट स्ट्रांग हो आप अच्छा उसमें मुझे ये बात एक बड़ी मजे की आपने बात वो की आई हैव अ एज वेल एंड अब मैं बहुत सोचता हूँ कि किस तरह से हाँ। एक बच्चे को यू you नो know, ग्रो करना चाहिए क्या करना चाहिए एंड उसके अंदर आई फील है कि अ लॉट ऑफ पेरेंट्स ट्राई टू डिफाइन द लाइफ ऑफ देर सो वो कहते हैं कि बेटा वो बताते हैं येस और नो क्या है और उनके बच्चे जैस द मिनट दे गेट द फर्स्ट चांस क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी कभी अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली डिसीजन लेने की तो जब कोई डिसीजन लेने वाला नहीं है तो फिर वो अपने दोस्तों के पास जाएंगे दोस्त कहेगा कि यार आ जा चर्च करें तो कहेगा अच्छा पहले अम्मी अबू कहते थे क्या करना है या दोस्त कह रहे कर लेते हैं बिल्कुल वे रेस जिन बच्चों को पेरेंट्स ने एम्पावर किया कि बेटा ये सही चीज़ होती है ये बुरी चीज़ होती है आगे तू देख देख ले क्या तू नहीं करना है बिल्कुल उनको जब ये वाली जो वो बच्चे जब ऐसी स्पेस में जाते हैं दे आर एबल टू देन आइडेंटिफाई एंड सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू रियली हैव सेट डाउन एंड हैव दो कानवर्जेशन व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग एंड लेट द किड्स डिसाइड फॉर देम और बिल्कुल ये बहुत जनरन बात है उसमें ये पता यह भी होता है कि जो हाँ मुझे उससे कॉन्फिडेंस बहुत मिला और जो मैंने स्टेप्स लिए अपनी जिंदगी में उस पर मुझे कायम रहना अभी uh, मैंने सीखा हुँ. अगर फॉर एग्जांपल कोई डिसीजन ऐसा होता जो कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए लिया होता तो क्या होता मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर डालता अगर हाँ. मैं फ़ेल हो जाता राइट हाँ. तो right. 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 so okay. अगर अब मेरे पास कोई चांस नहीं था कि फेल होने का राइट right? मैंने अपना बेस्ट दिया और मैं फिर उसमें सक्सेसफुल हुआ yeah. तो अब उसमें यही है कि मुझे लगता है कि हमें मुझे लगता है अपने बच्चों को चांस देना चाहिए कि वो कोई डिसीजन लें और वो आगे जाके ऑफकोर्स आप वो कई दफ़ा मेरे लगता है पेरेंट्स को ये भी होता है कि वो हमारी क़दर नहीं करेंगे या ऐसे कोई तो मुझे लगता है कि वो आपकी डबल क़दर करते हैं कि उन्होंने मुझे इतनी फ्री हैंड दिया और अब उनकी जो रिस्पेक्ट है उनके माइंड बढ़ जाती है। बढ़ जाती है और डंडे के ज़ोर पे सर वो मॉडर्न जनरेशन डंडे के ज़ोर पे चलने वाली है नहीं अनफॉर्चुनेटली वो जितना डंडा आप लेकर आएंगे उतना ज़्यादा वो रिबेलियस होके एवेंचुअली वो वही होंगे दो हज़ार सोलह में आपने ग्रेजुएट किया और ग्रेजुएट करने के बाद डिज़ाइन 2016 तो बहुत ही मैं कहूँगा सात साल पुरानी बात है आज भी अगर कोई बच्चा देख रहा है और वो इस वक्त है में है तो कह रहा है कि डिज़ाइन ये क्या किया सर इससे तो आपको कोई पैसा वैसा स्कोप स्कोप <laughs> स्कोप कोई नहीं है उसका सो फर्स्ट ऑफ ऑल वाइल यू वर एट यूनिवर्सिटी डिड यू एवर थिंक कि यार ये तो मतलब ठीक है डिज़ाइन आ गया बट भूखे मरेंगे या डिड यू नोगे यार ठीक है काम मिल जाएगा कोई ऐसा इश्यू नहीं है तो उसमें क्या था कि 2014-15 एंड में मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी थी ड्यूरिंग माय यूनिवर्सिटी ईयर्स तो उससे मुझे ये हुआ था कि पता चल गया था कि अच्छा इसमें कितना एक्सवेयर मिल गया उसके बाद पता चल गया कितना स्कोप है कितना काम है मार्केट में और ये इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग या लोकल में लोकल लोकल मार्केट अभी इंटरनेशनल तो नहीं की राइट? राइट तो अब उसमें लोकल जो भी कह लें कि किसी टीचर के थ्रू पता चल गया कि अच्छा ये प्रोजेक्ट है इस पर काम करना है ये इतने इतने पैसे हैं तो इतना कर लेते हैं ठीक है अब ये इंस्टीट्यूशन का फायदा है कि आपकी नेटवर्किंग हो रही है राइट तो उसके बाद आपके और लोगों से कॉन्टैक्ट बने आ, कि कोई फ्रेंड था उसके फॉर एग्जांपल कई दफ़ा ये भी होता है कि आपके फ्रेंड्स हों तो वो आपको ब्राइट स्टूडेंट समझते हैं ना तो वो कहते हैं तुम ये प्रोजेक्ट कर लो मेरा दिल नहीं है उसको काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं कि वो रिलेक्टेंट होते हैं कि अच्छा अभी हम मैयाशी करेंगे जब हम ग्रेजुएट हो जाएंगे ना फिर हम काम स्टार्ट करेंगे लेकिन मुझे जो लगता है कि आप अगर फ्री दो साल पहले कर लो ना तो वो आपको जो जॉब का एक्सपीरियंस होगा ना वो आपको पहले ही आ जाएगा पोर्टफोलियो right, भी बन हाँ, जाएगा और exactly. एग्जैक्टली exactly. उसके बाद आप एक बेटर पोजीशन में होगे किसी के पास जाने के लिए और आप बेहतर स्टार्ट पॉइंट ले सकते हो अगर आपकी स्टार्टिंग सैलरी थी फोर्टी टू फिफ्टी तो वो आपका पोर्टफोलियो देखिए हमारे तो पोर्टफोलियो मैटर करता है hmm. तो वो आपको डायरेक्ट सिक्सटी सेवेंटी एट्टी पे ले जाएगा राइट hmm. तो उसमें ये नहीं वो कहेगा कि आप फ्रेश ग्रेजुएट हो फ्रेश ग्रेजुएट का ठप्पा तभी लगेगा जब आपके पास पोर्टफोलियो मेंसेंट आपने ग्रेजुएट करने के बाद जॉब जो, की थी uh, मैंने फ्री मतलब कह लें कि इस तरह किया था कि हाँ प्रोजेक्ट वो लेकिन उनके साथ मैंने किया था

तो फ़ैशन का जो पार्ट था ना वहाँ से स्टार्ट हुआ तो पहले फ़ैशन जो आ, शूट किया था मैंने उनके साथ ही स्टार्ट किया था अच्छा तो, तो से शूट था वो? आ, वो उनके ग्लासेस का सन ग्लासेस का शूट था तो उन उधर से स्टार्ट किया तो आ, फिर उसके बाद क्योंकि उनके उनके पास ऑन बोर्ड डिफरेंट ब्रांड्स है क्रॉस्टेज बी इस तरह के जितने भी आजकल ब्रांड्स हैं तो वो उनके साथ काम करते थे तो एवरी नाउ एंड देन मैं शूट कर रहा होता था आ, किसी ना किसी ब्रांड के साथ तो वहाँ से जो पोर्टफोलियो बिल्डिंग हुई है वो मतलब बहुत कमाल की हुई है फिर उसी तरीके से जब मेरा वो पोर्टफोलियो बिल्ड होना शुरू हुआ और मैंने फॉर एग्जांपल अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे लगाना शुरू किया तो उधर से और

आ, हर नाइन मतलब हर दूसरे दिन मुझे आ रहा होता है कोई ना कोई के ग्राफिक डिजाइनर ढूंढ दो तो मेरे कुछ दोस्त हैं वो ढूंढ रहे हैं लेकिन ऑफकोर्स वो ढूंढ रहे हैं कि कोई अच्छा ग्राफिक डिजाइनर राइट अब उनको रिकमेंड बंदा नहीं कर सकता है, कोई भी ग्राफिक डिजाइनर लेकिन ऑफकोर्स अगर आपका काम अच्छा है और आप डेडिकेटेड हो अपने काम के लिए तो यू कैन ईजिली फाइंड अ जॉब राइट right? हर किसी को आजकल हर किसी ब्रांड को अपना इमेज कम्युनिकेट करना है और उस कम्युनिकेशन के लिए आपको विजुअल की जरूरत है राइट हंड्रेड परसेंट सो मुझे लगता है कि ग्राफिक डिज़ाइन कभी भी आ, मतलब आउटडेट नहीं हो सकता हाँ और आई थिंक मसला ये है कि ग्राफिक डिज़ाइनर्स बहुत सारे हैं हुँ. जो एक्चुअल डिज़ाइन जानते हैं वो लोग बहुत कम एंड इसके लिए मैं आ, आना चाहूँगा बट एंड बेट पहले मुझे ये बताइएगा फैशन आपने किया फैशन में Um, what sort of fashion were you doing? Were you doing product photography? Were you doing like these uh, campaign shoots? Um and उस, साथ साथ, how was your experience doing them? Because for an average viewer, this looks like a very glamorous space. Right? But like, wow, this is like for a photographer, fashion I I would say is the epitome of success. Is it as exciting when you're there? स्टार्ट um, में बहुत एक्साइटिंग मुझे भी लगा राइट right? uh, और जब मैंने स्टार्ट लिया तो फर्स्ट जो uh, मेरा क्या कि लॉन्चिंग पॉइंट जो था ना वो ये था कि मैंने किसी फैशन वीक में जाना है और वहाँ जाके शूट करना है रन वे पर जाके सो आई वेंट देयर और उसके बाद क्या हुआ कि उधर मैंने देखा कि भीड़ लगी हुई है फोटोग्राफर्स की वो एक ही जगह पे खड़े हैं ठीक है एक है टॉप फोटोग्राफर जो कि सबसे ऊपर बैठा होगा ठीक है जिसको एक हॉटस्पॉट मिला हुआ है और उसके बाद है छोटे छोटे फोटोग्राफर्स जो कि आए हुए हैं ठीक है वो सब कहीं ना कहीं घुसे हुए सब पिक्चर्स ले रहे हैं और एक बैक स्टेज है जिसकी दुनिया ही अलग है उधर

तो उसके बाद जो जो प्रोजेक्ट्स हैं ना वो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था उसमें दो तरह की चीज़ें एक है कि फ़ैशन डिज़ाइनर ब्रांड है एक है एक कॉरपोरेट ब्रांड जैसे सैफायर हो गया और इस तरह के डिफरेंट ब्रांड अब उन मुझे जो ज़्यादा मजा आया वो उन ब्रांड्स के साथ काम करने में आया जिनकी जो कॉर्पोरेट हैं अच्छा आ, काफ़ी लोग डिज़ाइनर्स के साथ काम करना पसंद करें लेकिन पाकिस्तान में मुझे लगता है कि डिज़ाइनर्स जो इंडस्ट्री है ना फैशन इंडस्ट्री वो आपकी वक्त की कदर नहीं जानती right. ठीक है अगर कोई कॉल टाइम होगा ना आठ बजे का राइट शूट स्टार्ट होगा बारह बजे अच्छा और कई दफ़ा तो मॉडल ही एक बजे आ रही होगी तो अगर वो मॉडल एक बजे आएगी तो दो बजे तक मेकअप होगा घंटे में पहले वो गपशप करेंगे चाय चाय पियेंगे नाश्ता करेंगे फिर दो बजे अगर फोटोग्राफर का कॉल टाइम आठ बजे था तो वो शूट हो रहा है दो बजे और वो फोटोग्राफर आठ बजे पहुँचा हुआ है एक्जेटली फोटोग्राफर अगर लेट हो गया तो उसको तो गालियाँ पड़ेंगी एक्जैक्टली तो कोई क... याद हो ना कि आप कम्युनिकेट कर दें कि मैं कल कल शूट था तो आप आ जाएं लेट आ जाएं हर हर डिलेड है शूट राइट बट ऐसा कोई कम्युनिकेशन नहीं होती ये बहुत कॉमन है हमारी इंडस्ट्री के अंदर फैशन इंडस्ट्री में ये एक बहुत ऐसा एक ऐसा पॉइंट है जो कि मैंने इसी वजह से इस फैशन फोटोग्राफी को कम कर दिया अपने लिए मुझे शौक़ था लेकिन फिर भी मैंने उसको जब जब मेरा एक एक कह लें कि बॉइलिंग पॉइंट आ गया ना कि अब बस है Right. Hmm. तो उसके बाद मैंने उसको क्विट कर दिया। सो right. ये so, uh, ये वाली ये वाला बड़ा होता लेकिन वो काफी इंटरेस्टिंग थी कि आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट तरह की टीम्स पे काम के साथ काम करने का मौका मिलता था हर किसी ब्रांड की डिफरेंट तरह की डायरेक्शन होती थी राइट right. तो वो कई कई जो क्लाइंट्स होते थे जो कि थोड़े से ओपन होते थे आपको क्या हाँ आपकी क्रिएटिव फ्रीडम है इतना आप, आप करो काम ठीक है हम आपको आपने जैसी लाइटिंग करनी है आपने इधर से येलो करना है पिंक करना है कुछ भी करना है लेकिन फिर कई क्लाइंट्स होते थे जो कि थोड़े से आ, पिकी होते हैं कि हमें बस इसी तरह का इमेज चाहिए हाँ। बिल्कुल मुझे बताएं कि जो इसमें इज इट इज इट एक्सक्लूसिवली यू एंड योर टीम या आर देर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व सो क्वेश्चन का मकसद ये है कि जस्ट यू विद योर एक या दरमियान में आप रेंट भी कर रहे हैं दरमियान में आपको आर्ट डायरेक्टर भी है आपने सेट डिज़ाइनर भी है आ, इस तरह का हमेशा से कोलाबरेटिव भी होता था कि uh, जैसे काफ़ी क्रिएटिव एजेंसी ऐसी होती हैं जो कि उनकी अपनी टीम्स होती हैं है, uh, उनकी लाइटिंग भी अपनी होगी uh, उनके अपनी ही मेकअप uh, आर्टिस्ट होंगे तो और उनकी कई दफ़ा उनके ऑन ऑन बोर्ड पैनल पे, पे मॉडल्स भी होती हैं पहले वो उनको पेज करते हैं फिर है। वो किसी और मॉडल की तरफ जाते हैं राइट लेकिन हमारी तरफ ऐसे था कि हमारी कोई äh, फॉर्मली कोई टीम नहीं थी हर क्लाइंट को उसके पास कंप्लीट ऑप्शन थी कि आपने कोई भी मेकअप आर्टिस्ट अपनी पसंद का हायर कर सकते यू नो वी मेक आवर ओन टीम्स फिर उसके बाद हम आर्ट डायरेक्टर किसको हायर करना है आपको किसका काम पसंद है तो आप उसको हायर कर लो उसके बाद मॉडल मॉडल की चॉइस आपके पास काफ़ी सारी हैं सो इसी तरीके से एक कम मतलब मिस एंड मैच करके आप एक अपनी टीम फॉर्म करते हो हर शूट के लिए तो इस तरीके से व्हाट इक्विपमेंट जब स्टार्ट किया था तब सिक्सटी डी से स्टार्ट किया था ठीक है फिर उसके बाद आईसा ऐसा शिफ्ट किया आई थिंक बीच में सिक्सटी लिया था और फिर उसके बाद सोनी पे शिफ्ट हुए एवंटी

कैनन की कलर प्रोफाइल से दुनिया में कुछ बेहतर कलर प्रोफाइल नहीं एंड दूसरा कैनन का जो सर यूज़र इंटरफेस है हाँ uh, एग्जैक्टली exactly. जब ये आया था ना मैं स्पेशल मैंने कहा ये क्या इंटरफेस है ये, हाँ। इतना मुश्किल क्यों बनाया हुआ है हाँ। मुझे जो सबसे ज्यादा मुश्किल जो लगता है ना चलो ये भी सोनी फिर भी इजी था नायकन का सबसे ज्यादा मुश्किल है अच्छा का का सबसे सोनी सोनी आप कह रहे हैं इजी है क्योंकि तो समझ ही कुछ नहीं ये सोनी फिर भी इजी लेकिन मुझे लगता है कि शायद वही बात है कि एक्सपोजर अगर आपका स्टार्ट स्टार्टिंग नायकन से हुआ है तो फिर आप उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेते हो तो वो अब वही बात है कि अब मैं कैनन पे जाऊँगा तो मुझे लगेगा कि यार मुश्किल है राइट right. लेकिन वो स्किन की जो बात है ना स्किन के जो कलर्स uh, हैं वो कैनन के अभी तक कैनन से मैच नहीं कर सकता कोई भी हाँ सोनी सोनी अब पूरा इक्विपमेंट सोनी पे शिफ्ट आपके है. कौन से इक्विपमेंट है अब एवन आर थ्री राइट और ए सेवन थ्री ठीक है ए सेवन और ए सेवन थ्री ए में क्या सो वाई दैट एंड ऑल्सो ए सेवन थ्री हाँ ए सेवन उसके उसके पिक्सल डेंसिटी ज्यादा तो है बड़ा, आ, तो बड़ा मतलब उसके जो आ, फ्रेम है उसका बड़ा राइट और फोटोग्राफी स्पेसिफिक हाँ एग्जैक्टली exactly, आप फॉर एग्जांपल अगर आप कैप्चर करते हो फो, आ, फोटो कैप्चर करते हो सो यू कैन क्रॉप अ लिटल बिट मोर ठीक उसके अंदर आप और जूम इन करके बिल वगैरह के लिए वो हाँ एग्जैक्टली मैंने तो एक छोटे कैमरे मतलब सिक्सटी सिक्स से भी बिल के ऊपर पिक्चर्स लगी हुई तो कुछ भी नहीं होता अच्छा हाँ, हाँ, कुछ भी नहीं होता तो सिक्स डी से जब मैं फोटोग्राफी करता था मैं काम कर रहा था ग्रेड हाँ। uh, विजन तो उसके साथ बिल लगते थे मैं कहता था ये अच्छा मेरे कैमरे की पिक्चर लगी हुई है बिल बोर्ड <laughs> और ये पिक्सलेट नहीं हो रही तो हाँ, so, लेकिन फिर बाद में कई दफ़ा लोगों ने पूछा कि मैं हसीब मैं ये यूज़ कर रहा हूँ तो ये कैमरे पे कोई मसला तो नहीं होगा तो मैंने कहा नहीं कोई मसला नहीं आप लगाओ बिल बोर्ड पर खींच दो कोई मसला नहीं मतलब पता पता नहीं नहीं चलता। पता ही नहीं चलता। uh, लगता है टी अभी भी है ऑन एंड ऑफ प्रोजेक्ट चलते रहते हैं लेकिन अब टाइम नहीं मिलता right. uh, क्योंकि अब फुल टाइम माई टाइप है सो so, अब लगता ट्वेंटी ट्वेंटी वन के स्टार्ट में छोड़ दिया था काफ़ी वन तक आपने मतलब ऑलमोस्ट पाँच साल आपने हाँ okay. किया और फैशन के है? फैशन के अलावा भी कुछ प्रोडक्ट किया था प्रोडक्ट किया था प्रोडक्ट अब फुल टाइम ही है क्योंकि प्रोडक्ट अब काफ़ी चलता है तो right. so, क्योंकि अपने ब्रांड के लिए भी करनी होती थी अच्छा प्रोडक्ट के अंदर थोड़ा सा फाइवर टू डाइव डीपर इन इट एक तो जाहिर है कि जब लोग प्रोडक्ट सोचते हैं तो उसमें एक तो वो वाला आता है आपका दर इज़ एज वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी इन कराची रजा मतीन चलाते हैं आई डोंट रिमेंबर द नेम उन्होंने वो कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं कि बेसिकली क्योंकि पाकिस्तान में पहले तो ये होता था कि प्रोडक्ट क्या होती है कि यार मोबाइल फ़ोन निकालो और अपने सोफे के ऊपर तस्वीर खींच के फेसबुक पर अपलोड कर दो या इधर उधर कर दो फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट आया कि यार कम अज़ कम एक वाइट बैकग्राउंड के अराउंड एक यू you नो know, एक तो, तो उनकी कंपनी असेंशली क्या कर रही है वो ये कह रही है कि यार दराज़ में अगर आपके पास रेट से हंड्रेड थाउजेंड एस के यूज हैं huh. तो हम फिफ्टी रुपीज़ या हंड्रेड रुपीज़ पिक्चर के ऊपर हम जो है वो आपको एक पिक्चर जनरेट करके देंगे ये दुनिया भर में ये वो सिस्टम है अमेजोन वगैरह के लिए आया था कि इतने बड़े स्केल हाँ फास्ट फैशन टाइप का कि यू नो लाइक अगर कपड़े हैं तो वो ज़ारा है अब ज़ारा का कितना ज़्यादा स्केल है राइट सो वो मॉडल आ रहे हैं तस्वीरें खींची जा रही हैं वो ये नहीं कि हर तस्वीर बड़ी का एलिगेंट है बटलैन देर इज़ अ प्रोडक्ट जो कि एक तो ये है कि उसमें मैं दो डायरेक्शन करूँगा एक तो ये डायरेक्शन है कि जिसके अंदर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल बिल बोर्ड के लिए आपने करना है खाने का करना है तो एक पूरा सेट डिज़ाइन करके उसके साथ करके एक लाइटिंग के साथ करना है या आपने ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी अगर करना है तो उसकी एक प्रॉपर डिज़ाइन बनेगी या अगर आपने वेबसाइट के लिए भी करना है तो इट्स नॉट जस्ट अ प्रोडक्ट जो कि बस पड़ी हुई है और उसकी तस्वीर खींच ली बट रादर वो हैंग हुई भी है Um, वो यू नो लाइक शर्ट है तो वो प्रॉपर एक इंसान की उसके तरह से है लेकिन उसके जाहिर अंदर इंसान नहीं है बट लेकिन बट उसकी like, वही है हाँ फॉर्म वही है तो वाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट डिड यू एक्सप्लोर और डिड यू एक्सप्लोर ऑल ऑफ दम काफ़ी प्रोजेक्ट्स आए तो इन सब को एक्सप्लोर करने का मौका मिला कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे शर्ट की बात करें था तो अब उसके अंदर ऑल um, दो वो डिफ़िकल्ट था प्रोसेस कि वो उसको ए, ए, इतनी पोस्ट प्रोसेसिंग उसमें रिक्वायर्ड थी लेकिन उसका पे ऑफ नहीं मिलता प्रोडक्ट में आ, इतना आपको पे नहीं किया जाता है इधर पाकिस्तान में जितना उसके ऊपर मतलब एफर्ट, एफर्ट लगती है राइट तो आ, जो वेब स्पेशली वेब पे अगर तो आपने कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोडक्ट कराना है जो कि रखा क्लिक किया डन राइट तो उसमें हम प्री प्रोडक्शन इतनी अच्छी करते हैं कि आपको पोस्ट की जरूरत ही ना पड़े राइट ठीक है हमारी कॉस्ट तब हो जाती है लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट एक रिसेंटली किसी ने अमेजोन पे पोस्ट करना था तो उसने आ, उसकी थी फिक्सर्स से बाथरूम फिक्सर्स अब वो स्टेनलेस स्टील है वो स्टेन वो क्रोम है पूरा हाँ। अब वो उसके ऊपर रिफ्लेक्शन आप कैसे कंट्रोल करेंगे हाँ। आप कैम में आपने पूरा बना भी लिया और कैमरे के लिए तो होल चाहिए और वो कैमरे का के होल जब आएगा तो वो ब्लैक होगा वो ब्लैक स्पॉट आ रहा होगा फिर भी कहीं ना कहीं राइट तो अब वो कैप्चर इस तरह की डिफिकल्टीज़ आती थी लेकिन इसको सब में किया कैप्चर किया लेकिन डिफरेंट तरह के सिनेरियो मेरे लगता है ज़्यादा जो मैंने प्रोडक्ट प्रोडोक्की की थी वो फैशन से रिलेटेड की थी आ, उसके अंदर जो फ़्लैटलेज होते थे कपड़ों right. के आ, जो भी शूट करते थे कैंपेन में उसका वेबसाइट hmm. के लिए चाहिए होता था और, और सोशल मीडिया के लिए भी लेस चाहिए होते तो उनको डिफरेंट तरीके से कलर्ड शीट रखते थे तो वो तक जुगाड़ काफी किएड़ हाँ, के और ये सारे जुगाड़ किए हुए और खुद पेंट किए बॉक्सेज बनाए भी खुद लकड़ी के बॉक्सेज क्यूब्स बनाए जैसे वो इंटरनेट पे कोई रेफरेंस देख के फिर उसके अंदर अच्छा इधर से लाइट दी जाए तो कैसे अफेक्ट आएगा क्या डिफरेंट हो सकता है तो सारे किए मुझे लगता है वो जो सारा था एक्सपोजर और जो लर्निंग थी वो अब अपने लिए काम आ रही है मुझे लगता है हाँ या एंड एवेनचुअली यू वेंट टुवर्ड्स दिस आई मीन यू आर अ डिजाइनर एंड यू आर समवन जो के प्योरली आर्ट एंड डिजाइन साइड पे रहा है एंड देन यू सडनली बिकेम ए बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर ऑफ sorts um व्हाई did that happen? Uh, मुझे लगता है मेनली वो इसलिए था क्योंकि मेरे अंदर थर्स थी इस चीज़ की कि जो मैं बना रहा हूँ ना प्रोडक्ट वो इज एज कोई लेता नहीं था उसमें हर कोई हर क्लाइंट अपने मुताबिक चेंज करता था फॉर एग्जांपल इफ आई मेड सम यू नो बैनर फॉर एग्जांपल फॉर समवन अब वो मैंने उसके मुताबिक पूरा उसके स्टैटिक्स के मुताबिक उसका कलर किया फॉन्ट सिलेक्शन की एंड में आके जब कोई क्लाइंट आएगा वो कहेगा इसका फॉन्ट चेंज कर दो तो उसकी लुक एंड फील ही चेंज होगी हाँ, ठीक है वो जो के साथ हाँ एक्जैक्टली हाँ, exactly. हाँ. तो हाँ. वो सारी फील ही चेंज होगी राइट फिर जब वो चेंज कराते हैं तो उसके बाद वो कहते हैं अब नहीं कुछ मज़ा नहीं आ रहा यू नो इसको वापस कर हमें पता है क्यों मज़ा नहीं आ रहा मजा नहीं आ रहा वो मतलब नहीं वो एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है सो आई 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 वो जो थर्स थी ना कि ये मेरा प्रोडक्ट है ये आपको पसंद है आप ले लें आ, अगर आपको नहीं पसंद तो आप कुछ और देख सकते हैं राइट तो वो आ, सर्विस आ, से जो प्रोडक्ट के अंदर था ना मूवमेंट हाँ मूवमेंट थी।, थी बड़ी लाजमी होगी जब भी हम दोस्तों के साथ बैठते थे, थे चार दोस्तों में बैठे हुए यार कोई प्रोडक्ट होना चाहिए right. क्या करें हर कोई लगा हुआ है कि अच्छा यार क्या प्रोडक्ट किया जाए सब जॉब्स कर रहे हैं लेकिन फ्रीलांस भी कर रहे हैं अपनी अपने बिजनेस कर रहे हैं लेकिन वो उनको ये क्या था यार प्रोडक्ट होना चाहिए कोई राइट तो बस उधर से ही वो थॉट आई कि अच्छा प्रोडक्ट तो हो ऑल दो

सो महम वॉज माई जूनियर इन बी एन यू सो वी वेंट ऑन ए ट्रिप मुल्तान गए थे हम लोग सो आई वॉज टेकिंग द सेम कोर्स जो वो भी ले उनका बैच भी ले रहा था राइट right? हम दो तीन फ्रेंड्स थे जो कि सीनियर ईयर में से थे hmm. और उनका पूरा बैच था अच्छा मुल्तान में कोर्स लेने गए थे <laughs> नहीं नहीं कोर्स तो इधर ही हो रहा था वो क्लास एक में थे ठीक है तो और... वो जो कोर्स uh, में थे ना उस कोर्स uh, का ट्रिप था ठीक हो गया सही है. तो उस ट्रिप के सिलसिले में फिर हम मुल्तान वो, वो पूरा एक आ, एक प्रोजेक्ट के तरीके से हम गए थे लेकिन कर तो ट्रिप ही आए थे हम लोग right. खेल कूद करके आ गए थे सो right. so, फिर तो तब मुझे महम के बारे में पता चला था कि अच्छा ये भी है मेरी जूनियर है तो so, फिर वहाँ से इंट्रैक्शन स्टार्ट हुई एंड देन uh, लेकिन फिर जब uh, हमारी जो फॉर्मली कह लें कि डिस्कशन इस बारे में हुई कि अब शादी कर लेनी चाहिए या हम फिर uh, कह लें कि इतनी देर मीटअप्स नहीं हुए मतलब अच्छा। एक कैजुअल फ्रेंडशिप थी क्योंकि सेम कोर्सेज भी नहीं थे से, सेम क्लास भी नहीं थी सो so, इतना इंट्रेक्शन हो नहीं पाता था सो so, जब uh, फॉर्मली बात हुई तो ये था मैं ग्रेजुएट हो रहा था और माहाम का समय अथी चल रहा था ठीक है लास्ट ईयर एक साल एक साल रह गया था सो फिर जैसे ही माहाम की स्टडीज कंप्लीट हुई फिर देन उन्होंने फिर शादी क्या सीन हो गया फिर तो उसके बाद वी uh, नहीं थोड़ा डिफिकल्ट uh, था, थोड़ा। <laughs> था। <laughs> डिफिकल्टीज आई थी लेकिन साथ काम करते रहे हैं या तो ये नहीं डिज़ाइन ने पढ़ा है लेकिन महाम अच्छा, uh, मेनली फोटोग्राफी करती है शी स्टार्ट ऑफ फ्राम प्रोडक्ट फैशन अब वो वेडिंग्स के अंदर भी काफ़ी है कपल शूट्स और इस तरह की तो अभी उसका मेनली जो चलता है वो वेडिंग और

ये नहीं करना चाहिए वो एक थर्ड ओपिनियन मिल जाता है उसके बाद हर मतलब इस चीज़ की उसकी जो टेस्टिंग हो रही होती है प्रोडक्ट की तो इस तरह की चीज़ों के अंदर और कितना अर्सा हो गया आप लोगों की शादी को हमारी शादी को तीन साल होने वाले हैं तीन साल होने वाले डी थिंक कभी कभार आपको ये होता है कि यार दोनों के दोनों एक ही जैसे होता है ना मोस्ट पाकिस्तान में तो खैर खातन काम ही नहीं करती थी सिंगल इनकम फैमिलीज होती थी फिर ये है कि डबल इनकम फैमिलीज आना शुरू हुई लेकिन उसमें ये होता था कि जी हस्बैंड वॉज वर्किंग इन वन प्लेस एंड वाइफ इज वर्किंग इन वन प्लेस एंड सो दे वुड कम बैक एंड दे वुड हैव सम सॉर्ट ऑफ ए समथिंग टू शेयर के यार अच्छा मेरे ऑफिस में ये चल रहा है मेरे ऑफिस में वो चल रहा है अच्छा फिर आपकी इंडस्ट्री में जो कुछ ऐसे कपल्स हैं जो कि एक ही इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं एक ही स्पेस में ऑपरेट कर रहे हैं इट्स उस पर बड़ा फ़ायदा भी होता है फर्स्ट स्टार्ट में तो आपको बड़ा फ़ायदा होता है कि ग्रोथ बहुत तेज हो जाती है बट आफ्टर टू थ्री ईयर्स थोड़ी रिटर्नन्सी आना शुरू हो जाती है कि यार काम भी साथ है रिलेशनशिप भी साथ है सारा कुछ साथ है एंड सो so, वो थोड़ा सा एक बर्न uh, आउट आ जाता है के हाँ मुझे लगता है कि लेकिन हमारा मसला ये भी था ना कि हम हमारे जो स्टूडियो है वो हमारे घर में ही है बेसमेंट में सो so, हमारे एक्चुअली मेरा बड़ा भाई भी वो भी डिज़ाइन करता है सो so, हमारे हम तीनों के डेस्क लगे हुए हैं हारिस माहम अच्छा। और रजीब राइट अच्छा। right, तो हम जो भी हो एट द एंड ऑफ द डे हमने स्टूडियो में बैठ के एडिट तो करना ही करना है ना राइट right? तो हम बैठे तो हैं सो इग्नोर दैट है नहीं मैं वही अब आप फॉर एग्जांपल आपने वो तो कर लिया हाँ अब आप घर गए घर पे भी काम की बात हो रही है क्योंकि अब काम भी अपना है

और डिफरेंट चीज़ें इस तरह की सोचते रहते हैं कि क्या चीज़ आ सकती है और ये आप पाकिस्तान से सोर्स कर रहे हैं या बाहर से सोर्स नहीं, कर नहीं। सारा कुछ मेड इन पाकिस्तान है सारा कुछ मेड इन पाकिस्तान इसके ऊपर तो मैं आपके अंदर <laughs> मुझे ये बताएं कि हाउ इज एक्सपीरियंस सोर्सिंग फ्राम पाकिस्तान क्योंकि हमारा तो ऐसा एक्सपीरियंस था कि हमने थैंक यू सो मच अल्लाह मच्ल एग्जैक्टली इतना सा हमारा <laughs> नहीं बहुत पाकिस्तान में सोर्सिंग का और आजकल के दिनों में जब ये जब से शिपमेंट्स आना बंद हुई हैं और ये सारी जो डिस्टर्ब हुआ है पूरा ये चेन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन uh, तो इसमें यह हुआ है कि हर चीज़ की कहता आ गया सही है अगर पेपर लेना है ना आपने अगर एक तरह का पेपर लिया आपको नेक्स्ट टाइम नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा हाँ। तो आपने जो मेहनत की आपने फोटोग्राफी की आपने हर चीज़ की आपने वेबसाइट पे मेंटेन किया आप कितने बेच लोगे आपने अगर वो बेचे फाइव हंड्रेड पीसेस राइट अब वो पेपर चेंज हो गया तो आप फिर से हर चीज़ रीडू करोगे अब इसमें यही चीज़ है ऑल दो मेरी कॉस्ट नहीं है क्योंकि फोटोग्राफी घर में ही हो रही है लेकिन कॉस्ट तो है ना बिजनेस एक्जैक्टली हाँ, exactly, मेरा टाइम तो, तो लग रहा है बिल्कुल Exactly, तो उसमें ये बहुत बड़ा मतलब मुश्किल है अभी भी मैं फेस करता हूँ कि अभी एक प्रोडक्ट किया है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर ये थाउजेंड पीसेस का है ना और अगर उसके बाद हाँ। दो पीस का माल पड़ा तो आप उठा लें Uh. क्योंकि वो नेक्स्ट जब मैं प्रिंट करवाऊँगा ना तो वो खत्म हो जाएगा हाँ. या मिलेगा नहीं या मिलेगा तो हायर प्राइस पे मिलेगा बिल्कुल ऐसा ही है एक तो ये आपने बताया कि yes. uh, मेरे एक्सपीरियंस में अ स्मॉलर प्रॉब्लम में देर वॉज नो कॉन्सेप्टी स्टार्ट 2018 पाकिस्तान में देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ए ब्रांड राइट सो अलॉट ऑफ दि पब्लिशिंग हाउसेज़ जनरली या तो वो क्या कर रहे होते हैं कि वो ये प्राइमार्ट और इस तरह के डिफरेंट ब्रांड्स के हाँ। लिए पैकेजिंग मटीरियल बना रहे हैं या वो क्या बना रहे हैं वो पंजाब टेक्सट बुक बोर्ड के लिए थोक के हिसाब से किताबें अच्छा बना, अच्छा बना अच्छा रहे हैं तो उनको इससे गर्ज़ नहीं होता कि यार अगर ये किताब है उसके अंदर चार पेजेस चिपके हुए हैं तो क्या सर मैं आपको एक बात बताऊँ मेरी पहली शिपमेंट आई थी उसके अंदर मकड़ियाँ मरी हुई थी उसके अंदर और वो नहीं भेज सकते हम ज़ाएँ हमारे लिए वो ज़ाया है सारा का सारा फिंगरप्रिंट्स लगे हुए वो एक नुकता हमारा ये पॉलिसी थी कि एक नुकता आता था, था ना तो हम कस्टमर को सेम से थे। सेम अब फिर हम जब उसकी कॉस्ट कर रहे हैं तो हमारी तो यूनिट इकोनॉमिक्स ही नहीं जस्टिफाई होती कि यार आप किस तरीके से चीज़ें कर रहे हो तो पाकिस्तान में इस वक्त एक ब्रांड बनाना फिर अच्छा थोड़ा सा फिर उसकी जाहिर है प्राइसिंग बढ़ा दोगे जहाँ पर आपको ट्वेंटी परसेंट ऑलमोस्ट रफली माल ऐसा आता था जो कि आप जितना भी क्यूसी कर लो जितना भी कर लो वो वेस्ट होता था बिल्कुल अच्छा उसके बाद फिर शिपिंग भी आपको एक्स्ट्रा लग रही है चला गया कस्टमर को पसंद नहीं बारह अब दोबारा गया वो शिपिंग की कॉस्ट तो कॉस्ट मिला मिलू के आखिर में हो ही रहा था कि यार एक किताब दो किताबों की प्राइस मतलब जो दो कॉस्ट ऑफ वो है

तो ये दिस बिकेम वेरी इन्फ्यूरिएटिंग है यार मैं ब्रांड बनाने निकला था और मैं तो सुबह शाम के कागज के मसले ही सॉल्व कर रहा हूँ तो ये कब तक बंदा ये कर लेगा बिल्कुल तो हाउस आपकी हाँ कोल्ड फॉलिंग से लेके आपकी जो वो सारी सारी वीबी है उसकी एट द वेरी लीस्ट जो मेरे सामने आई वो तो बहुत इट वॉज वेरी वेल डन देर 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 हर बिन वेरी फ्यू पीपल हु ऑफ़ क्वालिटी एग्जैक्टली जो आप लोगों ने माशाल्लाह से बना दिया एंड यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ इट मेरे लगता है कि इस ऑल क्रेड गोज़ टू द वेंडर आई गेस कि वो उन्होंने मेरे माइंड को समझा कि ये चाह कह रहे हैं मैं पहले एक वेंडर के पास गया उन्होंने वो मेरा एक वो भी एक एक्सपीरियंस था कि जब मैंने सारी चीज़ें कहा कि अब मैं ये सब सर्विसेज छोड़ दूंगा मैं फोटोग्राफी कट कर दूंगा ठीक है क्योंकि मैं वो साथ साथ नहीं मेंटेन कर सकता था राइट मैंने फिर ये डिसाइड किया कि आज से मैं रिटेनर छोड़ दूंगा क्योंकि जब मुझे पता चलेगा ना होगा कि ये मैंने छोड़ दिया अब मैंने कुछ करना ही है तब मैं कमाऊँगा मेरे पैसे आएंगे हाँ तभी ब्रांड तभी ब्रांड बनेगा ऐसे नहीं बनने वाला तो मैंने छोड़ दी मैंने मैंने उनको कहा कि अब मैं नेक्स्ट मंथ से नहीं कंटिन्यू करूंगा फिर मैंने कहा अब मैं अपनी जो फर्स्ट जो हमारा था प्रोडक्ट वो रेसिपी जर्नल था अब मैं वो प्रिंटर के पास गया बड़े खुश हो कि ये अब मैं छपाऊंगा मैं तो उससे कहूंगा कि किताबें छाप दे मेरे लिए सौ का फिगर बहुत बड़ा था ठीक है कि अब अब मैंने मैंने उसको बताया कि मैंने समझाया वो उसने बहुत कैजुअली मुझे लिया क्योंकि वो जनरेशन वगैरह का बड़े बड़े ब्रांड का काम करता था तो उसने कहा कि अच्छा ये आपने छापी कहता आप अगर आप 300 छापेंगे ना तो आपको ये कॉस्ट पड़ेगी और अगर आप 500 छापेंगे ना तो आपको ये कॉस्ट पड़ेगी अब मुझे वो जो 500 वाला फिगर था वो अब मुझे वो समझ आ रहा था कि ये रेसिपी जर्नल है ये मैंने कभी बेचा नहीं है जिंदगी में और ये लेगा मुझे भी नहीं पता कि कौन लेगा राइट और ये जो है अब एक नया प्रोडक्ट है और इतनी इसमें मुझे मेरी इन्वेस्ट करना पड़ेगा ठीक है

तो लेकिन वो उस ब्रैंडर ने हमें बहुत ख़राब किया उस, उसकी उसका उसका तो प्रोडक्ट निकलने में ही इतना टाइम लग गया कि वो जब वो सैंपल अप्रूव कराने लगा आता था तो वो जब हम खोलते थे वो कहता था ओ अच्छा ये ऐसे हो गया इमेजिन करिए वो सैंपल भी चेक करके नहीं लाता था कि ओ ये इसमें तो ये गलती है तो वो बहुत बैड इसमें अब जो जिससे हम कराते तो वो बहुत वो अपनी तरफ से खुद क्वालिटी चेक दो दफ़ा करता है और वो फिर हमारे पास चीज़ आती है तो वो जो क्वालिटी चेक का जो भी वेस्ट होता है वो अपने ऊपर लेता है तो वो मुझे रेट उसके मुताबिक देता है लेकिन मेरे, मेरे समझ ली... आ मुझे कौन हाँ। सा है आपका एक एक ही लाहौर में है जो ये काम करता है <laughs> अच्छा माय ठीक is... है <laughs> तो उसके बाद फिर उन्होंने उसने कहा कि ये जो है ना ये रेट होगा लेकिन इसमें आपको ख़राब चीज़ कोई नहीं होगी राइट right. ठीक है तो उसमें फिर उसमें मुझे बेहतर पता चला कि कैसे मैंने अपनी कॉस्ट क्या रखनी है right. अगर ख़राब हो भी गई तो मुझे एट द एंड दूसरी भेज के भी प्रॉफिट होगा हाँ राइट right? तो कम अज़ कम आपके पास कंट्रोल है ना कंट्रोल है आपको बाद में कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा कि यार अच्छा ठीक है बात है और ये बड़ा प्रॉब्लम है आपको लेवर एन कर देंगे सर यूँ हो जाएगा सर यूँ हो जाएगा सर यूँ हो जाएगा इतने पैसों में हो जाएगा आखिर में जीत आएगी कहेंगे सर हम तो कुछ नहीं कर सकते सारा माल निकलिएगा एग्जैक्टली तो आप पहले से बता दो इतना ऐसा क्या इशू है अब अब यू से uh, फिर भी मैं मैं सोचता हूँ कि एक और सप्लायर होना चाहिए एट लीस्ट आपके दो सप्लायर होने चाहिए ताकि आप कॉस्टिंग का uh, कर सको और फिर मैंने उसको डिवाइड कर दिया अब कि जो फॉर एग्जांपल पैकेजिंग है वो एक साइड से एक वेंडर से है right. वो क्योंकि चीज़ ही डिफरेंट है वो कैरोगेटेड कैरोगेटेड बॉक्सेस है अब वो uh, कोई वो जो है प्रोफेशनल कैरोगेशन बनाते हैं uh, प्रोड्यूस करते हैं uh, तो uh, मैंने कहा कि वो उसी से बनवाई जाए आपके एक लोड भी नहीं होता एक आप वेंडर के पास क्योंकि ये भी स्मॉल वेंडर्स होते हैं फिर उनके पास भी लिमिटेड मशीनरी होती है लिमिटेड वर्कफोर्स होती है तो उसके बाद फिर मैंने इस तरह सब डिवाइड करना स्टार्ट किया और फिर इसके अंदर एक्सपेंशन की प्रोडक्ट रेंज की रादर दैन जस्ट डूइंग प्लानर्स आई शुड फोकस ऑन डिफरेंट अदर आइटम्स ऑफ हाउस होल्ड हो गया तो so, अब क्या क्या ऐड कर दिया उसके अंदर अब उसके अंदर है कोई डिफरेंट चीज़ नहीं मतलब ऑल वो जो डिफरेंट चीज़ें अभी जो है पेंट्री जार्स हैं राइट right. अब वो एक डिफरेंट ही चीज़ है कि वो आ, ग्लास के जार्स हैं विच, इन विच यू कैन स्टोर स्पाइसिस उसके बाद अब वो जो प्रिंटिंग वाला उसमें पार्ट है वो, वो लेबल्स का है सही राइ? है तो अब ये डाइवर्सिफाई हो गया प्रोडक्ट के अगर एक जगह से आपकी कोई मसला आ रहा है तो आप दूसरी जगह से सस्टेन कर सकते हो उस right. दूसरी चीज जो थी अगर किताब सही बन भी जाती है न, हाँ। तो जो वाले उसके साथ करते हैं, आप कर रहे हैं, कर रहे हैं? अच्छा। वो अब उसका भी सलूशन निकाला कि क्या कैसे उसकी पैकेजिंग बनाई जाए मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारी ऊपर भी लगी हुई है जिसमें सिर्फ बुक जाती है वो जो है ना वो बुक पैकिंग पैकिंग के अंदर फिट हो जाती है और वो एक एक, एक इंच दूर होती है अच्छा कॉर्नर से क्योंकि अगर कॉर्नर हिट होगा तो वो ऑफकोर्स बुक भी डैमेज होगी लेकिन वो कॉर्नर से ही एक इंच दूर है हाँ. तो वो जब कॉर्नर हिट होता है तो वो दूर होती है बुक राइट right? हाँ, हाँ, हाँ. तो उसका डैमेज नहीं होता कैलकुलेट तो, uh, किया था रिसेंटली तो वो था

हो ये रहा था कि वो ऑर्डर करती थी वो एग्जैक्ट सेम एड्रेस एग्जैक्ट सेम एवरी वो वहाँ पर जाके उसके घर वाले मना कर देते थे वो फिर ऑर्डर कर देती थी वो फिर घर वाले मना करते थे वो फिर ऑर्डर करती थी वो फिर घर वाले मना करते थे ना घर वालों में इतना था कि अपनी बच्ची को कंट्रोल करें ना उस बच्ची के अंदर इतना था कि वो तो शायद बच्ची थी छोटी वो शौक में कर रही थी कि यार मुझे चीज़ मिल जाए आप सिर्फ कैलकुलेट करें बाई बाई दफ़ा ठीक है it was insane and and then 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 we we found out and then we had to obviously then, uh, put in blocks उट एंड नॉट बट ये बड़ा प्रॉब्लम है कि नंबर um, um, बंद कर देंगे Number बंद Number रहेगा. अब वो कोरियर कंपनी की पॉलिसी है वो कहते हैं वो बैल नहीं भेजा वो जब yeah. तक नंबर नहीं होगा वो वापस भेज देंगे yeah. बिल्कुल फिर उसमें क्या होगा ये वाला तो बहुत ही बड़ा मसला हमारी टाइप के ना जिसमें ये प्लानर्स हो गए इसमें क्योंकि डेमोग्राफिक क्या है तेरह साल की बच्ची भी कर रही है तेरह से सत्रह साल की बच्ची जो है ना उसका भी वो इंडिपेंडेंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ बाइंग कि वो अपनी अम्मी का वो करती है तो उसके नंबर मेहबू का क्या होता था वो कॉल जाती थी वो कहते थे जी हमने तो कोई ऑर्डर तो नहीं, नहीं, तो नहीं किया ऑर्डर ही नहीं किया सबको आ सही है वो तो उसके ऊपर बड़ी आपको हिट पड़ती है आ, और वो अगेन आपकी यूनिट इकोनॉमिक्स आउट होती है एक और चीज़ मुझे ये बताएं कि आर यू रिलाइंग ऑन फेसबुक एड्स या हाउ वट द प्राइमरी सोर्स ऑफ गेटिंग द कस्टमर इन टू द शॉप फेसबुक इंस्टाग्रामीट 20 are ads. हाँ, 20%, नहीं, 20 जो पूरा कॉस्ट है ना हाँ, उसकी ट्वेंटी परसेंट इसमें फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स पे थे ठीक है और उससे exactly, अभी, अभी अभी स्टोर किया है फिजिकल स्टोर ना एंड वो मेन तो हमारा अभी एक्सपेंशन का था कि घर से बाहर निकालना है राइट घर में स्पेस खत्म होगी थी कि प्लानर प्लानर रैक्स लग रहे हैं घर में हर कमरे में रैक्स लगे हुए सो अब उसको शिफ्ट किया बाहर क्योंकि वो बहरिया लाहौर में ही है स्टोर सो वो ही स्पेस उसका डिस्प्ले भी है तो so अगर किसी ने ऑन स्पॉट आके देखना है चेक करना है परचेज करना है आप ले सकते हो आके और वो आपने आ, अपना पूरा आपका ही स्टोर है या वो किसी स्टोर के अंदर है? नहीं नहीं वो हमारी स्टोर है हमारी ऊपर उसकी स्टोरेज है और नीचे पूरा स्टोर है ओ हाउ और वहां पर आप उसको डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं एग्जैक्टली आप जाएं उधर परचेज कर लें अच्छा इसके अंदर एक एलिमेंट है जो ऑनलाइन टू जब फिजिकल में आते हैं आई डोंट नो कभी अब जाहिर है कि वो उस भी डिपेंड करता है कि क्या स्केल है बट उस पर आते हैं फिर सेल्स टैक्स हाँ जो कि ऑनलाइन पे नहीं है बिल्कुल आ, तो आपने उसको अकाउंट फॉर किया कि इवेंचुअली जब आपको सत्रह परसेंट वो हिट करना क्योंकि सत्रह परसेंट के ऊपर मार्जिन खत्म हो जाते हैं बिल्कुल है। बिल्कुल खत्म आप सस्टेन नहीं कर सकते और इस पहली चीज इतनी महंगी है उसके बाद कोई परचेज परचेज ही नहीं करेगा तो एक उसका लाइक मैंने एक वर्क अराउंड उसका फॉर एग्जाम्पल जब अपने टाइम पे सोचा था तो ये सोचा था कि आप एक वो बना दो बुटीक स्टोर बना दो जहां पर आप लोगों को कहोगे कम एंड आइडेंटिफाई रियली वांट ऑन द स्पॉट तो आप ले लो वरना आप आओ आके देखो और फिर आपको बट तो, okay. और इसमें कोई गलत बात नहीं है बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपको अलाउ किया के ऊपर

जितना हम ऑनलाइन से जो कमा रहा हो ना कि वो पूरे पाकिस्तान में अपना अपनी चीज़ जा के बेच रही भाई लेना है आपने ये इंस्टाग्राम से यही कर रहा है ना आपके लिए तो आप स्टोर से या तो आपका ब्रांड हो राइट right? कि आपको आपको पता कि ये जो स्टोर है ये अब बहरिया में खुल गए और अब आप जाके ले सकते हैं या तो डेली की ऐसी चीज़ है कपड़े हैं हाँ। या कोई ग्रॉसरी है राइट right? ऐसी चीज़ नहीं है बड़ी स्पेसिफिक चीज़ है जो कि बहुत एक डेमोग्राफिक एक वीक आप बता रहे बहुत थोड़ा है हाँ। तो उसमें भी एक इशू है तो जितनी सेल्स ऑनलाइन की वो तो वन पॉइंट कुछ परसेंट बनता होगा जो कि अब वो क्योंकि ऑप्शन मैंने डाली है पिकअप की तो जो करीब है बहरिया में है वो अभी लेना चाहता है तो वो जाके पिकअप करे और पिकअप सेलेक्ट करे वेबसाइट पर और वो वो जाके ऑर्डर नंबर बताएगा और वो पिकअप कर लेगा अपना चीज़ राइट इंटरेस्टिंग

प्लैनर से कम्पिटी नहीं कर सकते थे हाँ तो अब फिर भी बेहतर है चलो इसको आप किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं लाइफस्टाइल ब्रांड की तरफ ले जाना चाह रहे हाँ लाइफ स्टाइल लेकिन मोस्टली जो जब हमारा जो थॉट प्रोसेस चीज़ों के पीछे वो होता है कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए ठीक है राइट आ, कोई भी इस हाउस से रिलेटेड वमेन से रिलेटेड तो वो डेली लाइफ में हो सकता है अब वो मेरा जो दिमाग चल रहा होता है वो इस तरह ही काम कर रहा होता है कि अच्छा मेरी अम्मी को क्या मसला पेश आता है किचन में राइट right. right? वो स्टार्ट हुआ रेसिपी से hmm. कि वो उनकी जो रेसिपीज है वो कहीं स्टोर्ड नहीं थी hmm. मैंने हमने पहले सोचा कि कोकबुक बनाते हैं जिसमें अम्मी की रेसिपी स्टोर्ड कर देंगे हम तो hmm. मैंने कहा वो खाली क्यों ना हो कि बाकी अम्मिया भी कर सके राइट हाँ, right? हाँ. तो वो हम फिर उस डायरेक्शन में ले गए फिर उसके बाद जो हमें मसाले रखे होते हैं स्टोर किए थे तो वो इतने प्लीजिंग नहीं लग रहे होते शान के डब्बे रखे होंगे या खुले पड़े होंगे पैकेट वो एक जैसा नहीं होता हर जो डब्बी होती, होती है वो डिफरेंट होती है फॉर्म में साइज़ में तो वो उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया उसके एक स्थेटिक लेबल बना दिए तो right. so इस तरह की चीज़ें कि कोई ना कोई उसके अंदर एक पार्ट हो हमारा कॉन्ट्रीब्यूट right. करें स्केच बुस जैसे स्केच बुक्स में खाली स्केच बुक होती है जो भी आप खरीदते हैं बेशक मोल स्किन की क्यों ना ले लें राइट तो लेकिन अब हमने डाला है कि जो स्टूडेंट होता है वो जब स्केच बुक यूज करता है उसने अपना काम भी तो नोट करना है ना डे एंड का उसने अपने टास्क भी तो लिखने हैं तो वो क्यों हम उसको प्लस पॉइंट क्यों ना दें वो भी उसके अंदर इंक्लूड कर दें कि वो एक उसको एक बोनस फीचर लगेगा वो कहेगा कि यार ये तो कमाल है राइट अब हमारी जो बुक्स की थिकनेस होती है वो एक बहुत मोटी होती है right. जो नॉर्मल स्टैंडर्ड एक आप परचेस करते हैं मार्केट से तो जब लोग ऑल दो वो फोटोग्राफी में इतना एविडेंट नहीं होता लेकिन जब लोगों के पास चीज पहुँचती है तो वो कहते हैं इट्स वर्थ द मनी राइट तो वो mm -hmm. फिर खुशी महसूस होती है उन्हें भी कि वो फिर दोबारा परचेज करते हैं सही बात है और उसमें तो एक बात है ना उसमें एक वैलिडेशन मिलती है हाँ खुश किया

इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। अब इसमें सबसे जो जो प्लस पॉइंट ये होता है है। कि आपने प्रोडक्ट बनाया बनाया वो पाकिस्तान में क्योंकि उसमें आपका मार्जिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता right. चाइना से मैंने कुछ चीजें सोर्स करने की कोशिश की मार्जिन ही नहीं है खरीदेगा ही हाँ, नहीं हाँ। तो आप फिर वो दो वो ब्रांड वो ब्रांड की इमेज में नहीं रहती क्योंकि आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा अगले टाइम वो मिलेगा ही नहीं राइट right? तो वो इनकंसिस्टेंसी आएगी आपके प्रोडक्ट में आ, कि वो प्रोडक्ट था नहीं है वो स्टॉक आउट हो गया वो आएगा वो पता नहीं कब आएगा ये नहीं पता अब हर चीज पर मेरा कंट्रोल है कि ये जो है प्रोडक्ट ये मैं सस्टेन करूंगा और उसको फिर आ, इस तरीके से है कि काफ़ी लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक मार्केटिंग पे पैसा नहीं लगाते मेरा इसमें मानना है कि अगर आप एक दुकान खरीदते हैं राइट right? अब दुकान में लाइट नहीं जलाएंगे तो लोग कैसे समझेंगे कि अंदर कुछ पड़ा है हमने खरीदना है अगर आप दुकान खरीदेंगे आप उसमें लाइट जलाएंगे ना राइट right? हम वेबसाइट जब बनाते हैं तो हम समझते हैं कि हम बस अब ये वेबसाइट बना ली वो भी फ्री बनाई और हाला अब लोग खुद आएंगे लोग क्यों खुद आएंगे जब आप उसको प्रेजेंट नहीं करेंगे मुख्तलिफ लोगों के सामने जाके अब वो प्रेजेंटर कौन है वो इंस्टाग्राम या फेसबुक है बिल्कुल ऐसे आपने अगर बिजनेस चलाना है ना पाकिस्तान में आपने ट्वेंटी परसेंट आपने मार्जिन आपने एटलीस्ट अपने बिजनेस में या प्रोडक्ट में इतना मार्जिन जरूर रखना है कि एटलीस्ट ट्वेंटी आपकी उसके अंदर मार्केटिंग हो आपकी कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग होगी आपका प्रोडक्ट आप उसकी हजार दो हजार तीन हजार चार हज़ार कॉपियाँ बेच सकते हैं आराम से कोई मसला नहीं होगा आपको मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरा जो प्रोडक्ट है इतना नीच है तो अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो कि मैस हो, हो हाँ। जो बहुत सारे लोगों की uh, कहने के नीड हो तो हाँ। वो कितना बेच सकता हूँ बेच सकते हैं आई थिंक प्राइसिंग इज वन थिंग जिसके ऊपर देर इज़ एब्सोल्युटली नो नो कंटेंट आउट देयर और लोग बात भी नहीं करते किसी से पूछना कि प्राइसिंग वो क्योंकि लोगों को डर लगता है कि यार अच्छा इसको पता लग जाएगा हाँ। कि मेरी कॉस्ट मेरी है, है मेरा ये कितना है बट एक्चुअली प्राइसिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो वाली बातें लोग आते हैं लोग कहते हैं यार चार सौ रुपए की चीज़ उसको ना चार सौ पचास की मैं बेच के ना मैं दस हज़ार पीस बेच के पचास हज़ार लाख बना ऐसा होता है नहीं है तो है। होता नहीं नहीं तो है ना आपने हर चीज को कॉस्ट काउंटिंग करनी होती है कि यार मेरा मेरा भी टाइम अगर लग रहा है ना वो लोग वो जनरली होता है कि यार मेरी तो कोई कॉस्ट नहीं मैं अपना टाइम टाइम लगा रहा नहीं सर आपकी टाइम की भी तो कॉस्ट है, कौस्ट। है exactly. आप अपने घर से काम कर रहे हैं आपके घर में जो बिजली जा रही है उसमें एक सर्टन अमाउंट ऑफ बिजली आपके बिजनेस में जा रही है वो भी एक कॉस्ट है बिल्कुल क्योंकि आज तो आप स्मॉल स्केल पे कर लेंगे स्केल जब आप करेंगे आप ऑफिस लेंगे तो वो कॉस्ट सारी आ जाएगी बिल्कुल इसका एक छोटा सा मैसूल आपको बता देता हूँ जनरली मुझे एक लाइफ में एक साहब ने बताया था बड़ा अच्छा वो वो था आ, हर बंदा ये नहीं यूज़ करता लेकिन मैंने मेरे, मेरे हिसाब से वो है हमने ये सुना था कि थ्री एक्स का मॉडल होता है कॉस्ट ऑफ़ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग पैकेजिंग उसको आप थ्री एक्स करें थ्री एक्स करने के ऊपर आपको वन एक्स जो है वो ओ एन एम कास्ट होगी जो कि आपकी मार्केटिंग एंड ऑपरेशन की कॉस्ट होगी वन एक्स आपका मार्जिन होगा अच्छा उसकी खूबसूरती ये होती है कि आप उसमें अप टू सेवेंटी परसेंट ऑफ दे सकते हैं ऑफ सो उसमें होता ये कि आप पहला जब आप थ्री एक्स पे लेकर आते हैं लेट से तीस रुपए की प्रोडक्ट है आप उसको सौ रुपये बेचते हैं आप फर्स्ट ट्वेंटी परसेंट जो है ना वो रफली आप फुल प्राइस से बेचेंगे वो आप एक्साइटमेंट पे बेचेंगे कि यार नई प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है वो आ गया अच्छा ट्वेंटी परसेंट जब आप एक्साइटमेंट में बेचेंगे ना तो बस इफेक्टिवली आप सिक्सटी परसेंट कॉस्ट रिकवर कर चुके हैं ठीक है फोर्टी परसेंट रह जाती है वे एटी परसेंट मान अब आप बाकी जो है उसके ऊपर आप क्या करते हैं आप फिर जाकर मीडिया बाइंग शुरू करते हैं तो उस पर आपको ट्वेंटी परसेंट मार्जिन कट रहे होते हैं और आपकी मीडिया बाइंग हो रही होती है उस पर आपके मजीद थर्टी परसेंट निकल जाते हैं फिर आपका बचता है फिफ्टी परसेंट रफली फ़िफ्टी परसेंट आप जाते हैं और जाके आप कहते हैं कि डिपेंडिंग ऑन क्या आप किस जोन में चल रहे हैं आप ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट फिफ्टी परसेंट काफ़ी दफ़ा इस तरह भी हुआ हमारा कि हमारा थर्टी परसेंट माल बिका और थर्टी परसेंट माल के ऊपर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट रिकवर हो चुकी थी फिर हमने फिफ्टी परसेंट सेल लगाई फिफ्टी परसेंट सेल लगा के एक दिन में हमने सत्तर परसेंट माल बेचा। अब वो टेक्निकली स्पीकिंग जो ऑफिस में लड़का काम कर रहा है वो देख रहा है, वो देख कह रहा है, यार ये तो आप जितना आप जितना खरीद रहे रहे हैं हैं उतने में बेच रहे लेकिन प्राइमरी कॉस्ट कौ, कौ, अकाउंटिंग के अंदर आपकी कॉस्ट तो रिकवर हो चुकी है ये जो आप बेच रहे हैं ये आप एफेक्टिवली प्रॉफिट कमा रहे हैं यार आप दस रुपए में भी बेचेंगे ना तो आप एक्चुअली आप उस प्रॉफिट कमा रहे हैं बिल्कुल तो आ, और और सेल्स आर अ वेरी उसके अपनी साइंस है कि सेल्स अगर आप ओवरडू डू करते हैं तो आप उसमें फंस जाते हैं बट सेल्स आर अ ग्रेट वे टू ड्राइव क्या आप करते हैं क्या है? कि आप ब्रांड एक्विटी बनाते हैं आप कहते हैं कि यार मेरी थ्री एक्स की मार्जिन वाली जो प्राइसिंग है वो आप एक क्वालिटी ब्रांड दिखाते हैं जिस पर जिसकी इस्ता होती है वो ले लेता है लेकिन उसका जरूरत नहीं जरूरी नहीं है कि जिसकी इस्तात नहीं है वो फॉलो ही नहीं करेगा वो आई है ना जो हर हर बंदा नहीं ले सकता लेकिन वो देखता ज़रूर है कि यार आईफोन कब अपॉर्चुनिटी मिले और मैं जाके खरीदा तो वो बंदा फिर फिफ्टी परसेंट पे आके ले लेता आके ले लेता ले 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 तो प्राइसिंग आई थिंक इज अ वेरी इनहेरेंट लाइक हमारे यहाँ बिजनेस हर चीज कर लेते हैं आखिर में हैं चाहे यार इसको बेचना कितने पे हाँ मुझे लगता है वो पहली चीज होनी चाहिए कि वो आपका वो हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली आप अगर कई दफ़ा काफ़ी लोग मेरे फ्रेंड्स भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये हम प्रोडक्ट सोच रहे हैं मैं मैं कहता हूँ कि अब इसको कितने में बेचोगे एट दी एंड ऑफ द डे आपको कुछ मिलेगा भी सही कि नहीं ऑल दो एट्रैक्टिव प्रोडक्ट लग रहा है आपकी अपनी हम हम तो डिज़ाइनर्स का यही मसला है ना कि हम कहते हैं कि ये बहुत प्यारा प्रोडक्ट बना दिया लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तो बिजनेस करना है ना आपने हाँ। आप वो सजा के कितने पीस रख लोगे घर में राइट तो मुझे लगता है कि स्टार्ट में ही ये अचीव कर लेना चाहिए आपको कि कितना एंड में बचेगा और एट दी एंड अगर आप और इसकी कॉस्ट जो आप बता रहे थे कि कितनी देर में रिकवर कर लोगे exactly. उसके बाद आपको नहीं दुखता वो प्रोडक्ट हाँ, उसके बाद आग भी लग जाए तो आपको फर्क नहीं फर्क नहीं। आप वापस यू कैन री एंटर द मार्केट एक्जेक्टली जबरदस्त वी वर एट द 51 मिनट मार्क एंड घंटे में जनरली मैं इसको रैप अप करता हूँ। तो लास्ट 10 लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस आई एम गोना आस्क पहले तो मुझे ये बताइएगा बिकॉज़ जीरो डिजाइनर एंड आई वांट टू गो टुवर्ड्स दैट एज वेल पाकिस्तान में एक बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ फ्री की वजह से डिजाइन के अंदर एक दुनिया एक उसमें घुस गई है कि बस जी मैंने फोटोशॉप सीख लिया मैं डिज़ाइनर बन गया विच इज़ फाइन अगेन इट वॉज द फर्स्ट स्टेप एंड लोगों को ए, एक एक लेकर आना था बट आई थिंक वन ऑफ द मेजर एरियाज जहाँ पर काम नहीं हो रहा वो ये नहीं हो रहा कि अप स्किलिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर लेबर जो कि मेरे हिसाब से दे नॉट डिज़ाइनर्स मेरे हिसाब से राइट नाउ दैट्स से फोटोशॉपर्स एक एक टेक्निकल वोकेशनल स्किल है उधर से लेकर उसको uh, uh, अगर तो हम वेट करते रहे कि यार जा डिग्री जा कर hmm. तो दैट्स दैट्स नॉट नॉट डिसरप्टिव एंड गोना हैपन कैन वी डू यू थिंक देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम उनको अपस्किल करके थ्रू सम सॉर्ट ऑफ कोर्सेज जिस तरह बहुत सारे और एरियाज में कोर्सेज हो रहे हैं यू आई टी के अंदर पहले आपके चार चार साल के प्रोग्राम्स थे अब लोगों को छह महीने का पाइथोना कोर्स एंड यू इन टू एटलीस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल वो चीज़ हम डिज़ाइन में नहीं देख रहे और उसकी वजह से आपने जिस खुद कहा कि एक बड़ा फुकदान है डिज़ाइन के अंदर अनफॉर्चुनेटली uh, आपको अच्छा डिजाइनर थाटफुल डिज़ाइनर नहीं मिल पा रहा बिल्कुल तो आपने जाहिर है पढ़ाया भी है एट वन पॉइंट बी के अंदर डू यू थिंक ये चीज़ हो सकती है पॉसिबल है ज़ाहिर है मेरा तो डिज़ाइन का एक्सपीरियंस नहीं है डू यू थिंक थ्रू समर्सेज सॉर्ट ऑफ़ अपलिंग ये जो एवरेज आउट फोटोशॉपर है इसको एक डिज़ाइनर में कन्वर्ट किया जा सकता है बिल्कुल ये बड़ी अच्छी बात है कि आ, हम एटलीस्ट बारे में सोच रहे हैं देर इज़ ए क्वेश्चन आउट देर तो मुझे लगता है कि जैसे हम, अगर हम इंस्टीट्यूशन के करिकुलम को देखें कि उसके अंदर सबसे पहले स्टूडेंट को फोटोशॉप से इंट्रोड्यूस कराया जाता है राइट जब वो टूल सीख लेता है फिर उसको आइडिएशन सिखाई जाती है फिर उसको अपने आइडियाज़ के ऊपर कैसे उसको ब्रेन स्ट्रॉन्ग करना है ठीक है फिर जब वो दोनों चीज़ें सीख लेता है ना कि उसका थियरी पार्ट क्या है और उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है अगर मेरे पास आइडिया है तो उसको मैं कैसे विजुअल फॉर्म दूंगा अगर उसकी दोनों चीज़ें अच्छी हैं तो फिर उसके बाद जो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर होते हैं उसमें स्टूडियो होता है तो उसमें क्या होता है वो अपने एलेक्टिवज़ होते हैं उसके अंदर अपने पसंद के इलेक्टिव स्पेशलाइजेशन चूज़ करता है कि मैंने एलिस्ट्रेशन करनी है मैंने यू आई यू एक्स डिज़ाइन करना है मैंने टपोग्राफी करनी है सो मुझे लगता है ये वाला जो स्टेप है ना ये मिसिंग है हम स्किल सीख के रुक जाते हैं जो राइट अगर मार्केट में बाहर की मार्केट में इतना मतलब मांग है यूआई डिज़ाइनर्स की मतलब उसकी इंतहा और वे आर हाईली पेड right. कि हमारे मोबाइल की इतनी ऐप्स बन रही हैं इतने इंटरफेस बन रहे हैं राइट तो मुझे लगता है कि यू डिज़ाइन में अगर स्पेशलाइजेशन हो इस तरह के कोर्सेज हो पढ़ाए जाएं और फिर उसके बाद अब अगर आजकल एलिस्ट्रेटर्स इतने मतलब अपना एक पर्सनलाइज काम बना सकते हैं और उसी आर्टवर्क को किसी भी कह लें कि एज अ प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं राइट आप अगर जब वो प्रोडक्ट बेचेंगे तो आपका एक स्टाइल बनेगा और इवेंचुअली आपका एक एक डिफरेंट तरह का मार्क होगा मार्केट में कि ये ये इस तरह के जैसे अगर शहज़िल मलिक को देखा जाए हाँ। तो शहज़िल मलिक का एक स्पेसिफिक तरह का काम है अब वो उन्होंने अब वो मार्वल में भी उनका हुआ है तो इस तरीके से मुझे लगता है कि एक एक सर्टन टाइप का आपका सिग्नेचर वर्क बन जाता है ना तो वो एक तरह की डायरेक्शन हो सकती है और एक आपने ये भी देखना है कि स्पेशलाइज़ किस में करना है आपने right. क्योंकि डिफरेंट तरह की फील्ड्स हैं इसके अंदर डाई थिंक उसके अंदर आई एम ट्राइंग टू आइडेंटिफाई इज के यू थिंक देर कोड बी अ प्लेटफॉर्म लाइक अ स्कूल ऑफ डिजाइन दट नॉट नेली सो आई मीन वही वाली बात है कि आपने बी एन यू तीस लाख रुपए बाय उसका जो है वो असेंचुअली आपके मैसेज को वो कर रहा है और उसमें जाहिर है कि उसमें एक इफ यू वॉन्ट लेट से टेन थाउजेंड डिजाइनर आउट दर तो आप चार पचास का बैच लेकर तो नहीं उसको क्रिएट कर सकते दैट जस्ट मीन दो सौ साल लगे आपको hmm. uh, to actually be able to create it. ल्टरनेटिवली अगर आप डिजिटल इंटरवेंशन करें और आप कहें कि यार ठीक है करिकुलम है मेरे पास लाइक यू बिन अ डिजाइनर यू बिन करो एक्जैक्टली कि यार एक एवरेज आउट डिजाइनर को क्या करिकुलम पढ़ाना है टू बी एबल टू रीच टू अ पॉइंट उसमें ज्यादा ड्रामे भी हैं यहाँ पाँच सौ डिग्री पढ़ानी mm. पड़ेगी ये चीज़ी की रिक्वायरमेंट है बट uh, mm. जो आपके कोर है उस कोर को मैं जाके एक स्कूल ऑफ डिज़ाइन में ले आऊँ मैं कहूँ यार ऊपर मैं आपको जो है वो ये यूनिवर्सिटी नहीं है सो इट्स नॉट लाइक आपको पूरा प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है बट आपका पूरा एक ट्रैक बन जाएगा जिसमें यू कैन

वो चीज़ आल्टरनेटिव के ऊपर नहीं आ पा रही कि जिसमें ट्रैक बेस्ड लाइक बच्चों का भी यही मसला है कि वो कह रहे हैं अच्छा वो प्लेटफॉर्म है वो यू आई यूएस सिखा रहा है फिर वो प्लेटफॉर्म है वो ये चीज सिखा रहा है वो प्लेटफॉर्म है कोई एक जगह नहीं है जहाँ पर आपको जहाँ पर मुझे ये गारंटी हो कि यार मैं दस हज़ार पंद्रह हज़ार रुपये का कोर्स है मैं वो दस पंद्रह हज़ार रुपये दूंगा और मैं दस दस पंद्रह पंद्रह दे देकर दे देकर दे दे मैं ओवर द नेक्स्ट थ्री ईयर्स मैं अपने आप को पूरा अपग्रेड कर चुका हूँ आई थिंक दैट ड्यूथिंगट like हाँ मुझे लगता है कि बूट कैम्प हो सकते हैं मतलब डिज़ाइन के बूट कैम्प हो सकते हैं जिसमें एक सर्टन मतलब वो ऐसी वैल्यू रखी जाए हमारी मार्केट के लिहाज से mm. और उसके अंदर वो स्पेशलाइज्ड एक पूरे चंक्स हों के यू आई यू एक्स का है ये टोटल चंक हाँ. uh, क्योंकि वो अभी जो इफॉर्मेशन अवेलेबल है वो यहाँ पर बात करें कि वैसे स्किल शेयर प्लेटफॉर्म पर है डिफरेंट इंस्ट्रक्टर ज़रूर हैं लेकिन वो एक स्प्रेड आउट इन्फॉर्मेशन है हाँ. वो आपके ऊपर है कि आपने कैसे उसको करना है लेकिन विलिंगनेस होनी ही चाहिए मुझे जो सबसे ज़्यादा मसला जो लगता है ना अभी भी के एट दी एंड आपकी अपनी विलिंगनेस पे कि आपने उसको सीखना, है, सीखना है क्योंकि अगर मैंने कुछ सीखा है ना तो इंस्टीट्यूशन ने ये खुद ये नहीं कहा कि ऐसे ये करोगे तो ये होगा हाँ। उन्होंने दिया है कि ये यहाँ से होगा ये यहाँ जाके जा सीख लें यहाँ जाके सीख लें और ये हम बाकी चीज़ें यहाँ इम्पलीमेंट करेंगे वो कोई भी हाथ पकड़ के नहीं सिखाएगा वो हमारी अपने ऊपर है कि आपने क्या क्या उसको uh, क्या सीखना है क्या एब्जॉर्ब करना है और किस तरीके से अपनी डायरेक्शन लाइफ की सेट करनी है यही मसला है ना कि हम हम एक सर्टन पॉइंट पे लर्निंग ख़त्म कर देते हैं हमारी growth, हम हमारी ग्रोथ हम ग्रो हम ग्रो करना बंद कर देते हैं जबकि ग्रोथ बंद नहीं होनी चाहिए हमें किसी न किसी पॉइंट पे uh, नहीं रुकना चाहिए राइट राइट हाउ योर एक्सपीरियंस टीचिंग एट बी बीन uh, जो के एक्सपीरियंस बहुत फुलफिलिंग था क्योंकि वो एक सेम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं वहाँ बैठा था पहले और यहाँ टीचर थे तो अब वो एक एकदम स्विच आ गया राइट तो वो स्टार्ट में तो बहुत uh, अजीब सा फील होता था कि uh, मैं उनको जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको एक कम्फर्ट लेवल देना चाहता था कि यू नो मैं समझ सकता हूँ जो आप बहाने बना रहे हैं हाँ, right? हाँ. मैं भी उस स्टेज पर रह चुका हूँ सो so, उनको कम्फर्ट करता था और फिर लेकिन ऐसा ऐसा ये मैंने फील किया कि आप एक ना एक टीचर की फॉर्म ले लेते हो आप क्योंकि यार मसला पता है क्या मसला ये है कि बच्चे भी ये नहीं सोचते ना कि अगला अच्छा है हाँ वो समझते हैं बुरा है वो कहते हैं कि यार ठीक है अगर ये हमें स्पेस दे रहा है तो फिर हम इसको एवं डंडे के जोर पे आना है exactly. और आपको वो ये ये मसला लगता है कि आप स्टार्ट में आप वो बात सुन लें अगर आपको लिनियंसित की जा रही है आपके साथ हाँ। तो आप उसको एक दफा नहीं दूसरी दफा तो कंप्लीट कर लो यार हाँ, सही है हाँ। तो वो ये मसला है ना बच्चे फिर वो उसको ड्रैग ही कर देते हैं बिल्कुल फिर उनको कहना पड़ता है कि अब अब वही एट ऑफ द डे पोर्टफोलियो सबमिशन होती हैं अब वो एंड तक एंड तक वो ई ही नहीं आई होती राइट right? अब उनको वार्निंग्स दे के मतलब जो नहीं हम देना चाह रहे होते वो ही वार्निंग्स दे के आपकी ये आप फेल हो जाएंगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो वो इस तरह करके उनको कन्विंस करना पड़ता है कि आपकी बेहतरी है साउथ लेकिन काम कम्प्लीट मतलब मुझे समझ नहीं आती थी कि वो कहाँ से उसके पर में लगता है कि वही आती थी यार ही इज हाजिर होता है I mean, बड़ा वो मेरे हिसाब से ना ही इज अ जीनियस द वे दैट ही वर्क्स एंड द वे दैट ही कम्स अप विद स्टफ इज जस्ट आई डोंट नो वेयर ही कम्स अप विद दैट मैं ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल बात ही बोलूंगा बट बहुत मैजिकल काम था exactly. और बहुत ही ज्यादा जो है वो ऐसा वो है कि आई मीन आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी वेरी गोज उसका स्पेशली उसका बैच जो था ना पूरा सारे ऐसे थे वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं सारे अभी तक अभी तक मैं उनके एक एक जो स्टूडेंट था वो बहुत बेहतरीन काम हर कोई कंपेटिटिव और अच्छे लेवल पे ये नहीं कि सिर्फ कंपटीशन के लिए, को काटने के लिए हाँ, नहीं हाँ। लेकिन अच्छा काम एक दूसरे को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना हाँ। और हर चीज़ बहुत दि वज गुड बच चल जबरदस्त हसीब भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एन वो एट द वन आवर मार्क अंग्रा वन लास्ट क्वेश्चन जनरली आस्क एवरी वन एंड आई लाइक योर थॉट ऑन डैट जहर आपका डिजाइन का एक्सपीरियंस है अब थोड़ा सा ई कॉमर्स का एक्सपीरियंस है और ऑन्टरपिनरशिप का अब आप उसके तरफ फुल टाइम चले गए तो उसी के कॉन्टेक्ट के अंदर हाउ डू यू सी पाकिस्तान ट्वेंटी सेवन ईयर्स ट्वेंटी एट ईयर नॉ फॉर सम रीज़न सॉरी मैं इसके ऊपर एक माजतर भी करना चाहूँगा लास्ट टाइम इमरान खान वाला इंटरव्यू हुआ था तो उसके ऊपर मैंने ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री बोल दिया था ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री नहीं चल रहा है ट्वेंटी ट्वेंटी टू चल रहा है अट्ठाईस साल फ्रॉम नाउ दो हज़ार पचास का पाकिस्तान आप कैसा देख रहे हैं आई um, बिलीव के जो हमारे भी ऑलरेडी ई कामर्स से रिलेटेड चीज़ें डिजिटल पेमेंट्स आ रही हैं और हर चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही हैं अभी राइट right? hmm. बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ रहे हैं तो उसमें कंप्लीशन नहीं है मतलब हर चीज़ हाफ़ हार्टेडली डन है मतलब अगर आप उसी डिजिटल पेमेंट pay, को एग्जीक्यूट करेंगे ना तो वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं होगी ठीक है आ, वो हाफ हार्टेडली डन होगी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी प्रॉब्लम आ रही है और वो आ, ऐसे ग्लेचेज हैं कि उससे हमारा कस्टमर लूज होता है right. राइट तो मुझे लगता है कि उनमें इतनी कंपटीशन आ जाएगा कि हर कोई इम्प्रूव करना चाहेगा अभी जैसे बैंक्स बैंक्स को भी अपनी अपनी एप्प्स को इम्प्रूव करना पड़ा क्योंकि सब भाग रहे हैं अब वो जो अच्छी ऐप बनाएगा वही जीतेगा राइट right. तो मुझे लगता है कि इसमें जो डिजिटल ऐप्स है और इसके अंदर एटमोस्फेयर में बहुत सारा कॉम्पिटिशन होगा सो so, और आ, मुझे लगता है कि होना भी चाहिए और जैसे दराज और इस तरह की ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उस तरह के और प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए क्योंकि मैंने दराज पर सेल की कोशिश की थी उनका बैकएंड इज हॉरिबल अच्छा बहुत हॉरिबल है उनकी आ, उनकी कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छी है लेकिन उनका जो बैकएंड है यूआई स्पेशली पूरा यूजर एक्सपीरियंस इट्स हॉरिबल मतलब मैंने इट सेकंड दो दफा ट्राई किया लेकिन वो नहीं मैं कर सका कि इमेज अपलोड नहीं हो रहा और अच्छा। बहुत बेसिक सी आउट थी, थी। बेसिक सी आउट थी इंट्रेस्ट तो हालांकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है तो लेकिन फिर आ, इस तरह के मुझे लगता है प्लेटफॉर्म्स की और जरूरत है हाँ जबरदस्त सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन एंड शेयरंगल दट इंड साइड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी वे यू टेक माय टाइप स्टोर माय माय टाइप स्टोर दैट्स करेक्ट राइट पर्टिकुलरली बिकॉज यू हैव डिज़ाइन बैकग्राउंड वो आप जो थॉट दे रहे हैं ना वो पाकिस्तान में जनरली बहुत कम होती है कि Um, वही वाली बात है कि ब्रांड बिल्डिंग आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी मेड इन पाकिस्तान ब्रांड आई 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 मुझे बड़ी खुशी हुई है बात सुनकर मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि स्टार्ट में पूछूंगा आप कहेंगे वो एक्चुअली चाइना से सोर्सिंग हो रही है <laughs> बट जितनी खुशी मुझे इस बात की हुई कि आप पाकिस्तान में आ, से सोर्सिंग कर रहे हैं आप वो वो आ, हिम्मत है हिम्मत चाहिए होती है योर योर वन ऑफ द स्टार्टर्स जाहिर है ये, you're, you're, uh, ये yes. मेरा मानना यह है कि अगले पाँच साल के अंदर कुछ लोग होंगे जो कि इतनी हिम्मत करके पाकिस्तान के अंदर से निकालेंगे प्रोडक्ट्स और फिर उसके बाद मार्केट सेट हो जाएगी एंड फिर इशाला दिल गो प्लेस एंड आई एम सारी टू सी यू गो प्लेस थैंक यू थैंक यू सो मच एंड फॉर ऑफ यू गाइज थैंक यू सो मच वॉिंग अगर आपकी एपिसोड पसंद आई और अपनी 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 दोस्तों से जरूर शेयर करेगी किसी किसी बात से एग्री और डिस करते हैं प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं ट्विटर पर कैंसिल ना करिएगा इसी के साथ साथ यूट्यूब वाले लाइक दिमाएंगे बेटे की ज्यादा लोगों पहुंचेगी फेसबुक वाले नीचे देखिए जॉइन कर सकते हैं पर डिफरेंट फीडबैक भी लेते हैं गेस्ट भी लेते हैं आर्टिकल्स भी शेयर करते हैं जॉइन वेल ऑडियो um, प्लेटफॉर्म्स वाले सब्सक्राइब कर बने पाएंगे आने वाले एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी बट और हाँ यहाँ पर पैसा जास कहीं पर आ रहा है फिट लाइक टू सपोर्ट दिस चैनल वी एक्सेप्टी थिंग फ्राम वन रिपीट टू मच यू यूड लाइक इट्स अ थॉट दैट काउंट्स बट एनी वेज दिस वही मजा मिला सनजी यू आर वॉिंग थॉट बिइ थिंग थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई एल सी नेक्स्ट वन